भारत सरकार के यशस्वी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय कानून विधि सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी, डॉक्टर पूनम जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन और जो लगातार इस हेपेटाइटिस जन जागरण अभियान से सहयोग करते हैं, अरविंद सिंह जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, देश भर से सभी मेरे सांसदगण, आज मैं विशेष रूप से ILBS के निदेशक डॉक्टर एस के सरीन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश से हम जन जागृत अभियान से जनता को साथ लेकर किस तरीके से हेपेटाइटिस बी और सी को रोक सकते हैं, उसके लिए एक लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे भी आज प्रसन्नता है कि इस विषय पर मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला और आज हम कोविड के कारण ई कॉन्क्लेव के माध्यम से आज विचार विमर्श कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि ILBS संस्था जो यकृत और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार विशिष्ट काम कर रही है, उसके लिए मैं संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया और देश COVID-19 से संघर्ष कर रहा है और सरकार ने, राज्य सरकारों ने भी इसके लिए व्यापक प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम हमने काफ़ी हद तक रोकने का काम भी किया है और कैसे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है इसके लिए भी हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। मुझे आशा है कि भारत सहित विश्व भर के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन भी विकसित हो जाएगी, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। और इस बीमारी ने का प्रभाव एक लंबे समय तक रहेगा, हमारे सामाजिक जीवन पर भी, आर्थिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक इसका प्रभाव रहना है, लेकिन इस सब के बाद भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि मानव जाति में आपदा और समस्याओं से लड़ने की असीमित शक्ति है, ऊर्जा है और संकल्प है। विजय का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। मैं इस कॉन्क्लेव के माध्यम से विशेष रूप से डॉक्टर सरीन जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस समय कोविड के समय हम कैसे लीवर को सुरक्षित रखें इसके लिए एक अभियान चलाया है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष भी मैं इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और डॉक्टर सईद रविशंकर जी और कई वरिष्ठ लोग, देश भर के लोग उसमें शामिल हुए थे और सबका संकल्प एक ही विचार था कि हम किस तरीके से देश के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी को रोक पाएँ।
और इसके लिए व्यापक प्रयास भी किए गए थे, क्योंकि पिछली बार एक अनुभव किया गया था कि पहले इसकी पहचान की जाए और पहचान करने के बाद इसके रोकथाम के इंतजाम किया जाए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि सामान्य व्यक्ति को इसके लक्षण पता नहीं चलते, और जब तक लक्षण पता चलते हैं जब तक ये वायरस काफ़ी हद तक अंगों को संक्रमित कर लेता है। इसलिए इसका व्यापक प्रयास जब ही होगा जब हम जन जागरण से समाज के सभी तबकों तक पहुँचे, और इसके लिए हम सब माननीय सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है कि हम जनता का नेतृत्व करते हैं, समाज हमें चुनकर भेजा है, हम किस तरीके से हमारी जनता को स्वस्थ रख सकें ये जिम्मेदारी हमारी है। और आज इसीलिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सबको इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, हम सब लोग सामूहिक प्रयास करें कि इस देश से हेपेटाइटिस बी और सी को समाप्त करें, क्योंकि WHO ने भी ये अभियान चलाया है और अन्य संस्थाओं के साथ साथ UN ने भी कहा है कि 2030 तक हम इस बीमारी को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करें। और इसलिए SDG के लक्ष्यों में भी 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर, हमारी चिकित्सा की संस्थाएं, शोध संस्थाएं, चिकित्सकगण इसके लिए विशेष प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आम जन तक इस संकल्प को लेकर जाएं और अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इस हेपेटाइटिस बीमारी को, वायरस को रोकने में कामयाब हों। मुझे आशा है कि सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक संकल्पों से हम इस वायरस को समाप्त कर सकते हैं। हमने कोविड में देखा है कि किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक संकल्प से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान किया और आज काफ़ी हद तक हम इसके रोकने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। हम भी सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित रखें। इस अभियान को जब तक चलाना है जब तक COVID-19 समाप्त नहीं हो जाता। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, विशेष रूप से डॉक्टर SK सरीन जी को जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्पित हैं और एक सपना देख रहे हैं। एक डॉक्टर इसी हेपेटाइटिस BOC के डॉक्टर हैं, लीवर के डॉक्टर हैं, लेकिन इनका प्रयास है कि किस तरीके से पेशेंट कमाए। वकील चाहता है कि ज़्यादा मुकदमा हो, डॉक्टर भी चाहते हैं कि ज़्यादा बीमार हो तो ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन इनका प्रयास तो ये है कि किस तरीके से इस हेपेटाइटिस वायरस को रोका जाए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कि संस्था को धन्यवाद देता हूँ, और उनका संकल्प पूरा होगा। हम सब सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे और इस हेपेटाइटिस B और C के वायरस को रोकने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।